1727 जयपुर नगर का एक ऐसा अध्याय आरंभ हुआ जो अभी तक लिखा जा रहा है, नई पुस्तक है राजस्थान की राजधानी जयपुर। और 292 वर्ष पूर्व जिस नगर का विकास आरंभ हुआ वो रुका नहीं है, अनवरत है, निरंतर है और होना भी चाहिए। क्या आशाएं हैं आपको इस राज्य के राजधानी के निर्माण के बारे में और क्या आपकी अपेक्षाएं हैं? हम तो पूछते ही रहते हैं आपसे, पर आज एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं जो कि जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हैं, श्री विष्णु लाठा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। तो अपने बारे में बताइए, आपकी एजुकेशन जयपुर में हुई? जयपुर में हुई मेरी एजुकेशन। क्या आपने बीकॉम? बीकॉम। अच्छा, किस सन में? 82 में कर लिया था। अच्छा, उसके बाद अब तो काफ़ी टाइम हो गया, 18 और 19, 37 साल हो गए। ये कैसे गुजरे आपके? कुछ समय मैं नौकरी में रहा, उसके बाद में मैं सरपंच रहा मोहाना। और मोहाना में रहे? मोहाना ग्राम पंचायत, मंडी भी आपके? मंडी के एडजॉइनिंग वाला पार्ट है। फिर मैं पार्षद हूँ 2014 से। अच्छा अच्छा। लगातार 78 से मैं जनता के बीच में, राजनीति में मेरा इंटरेस्ट है, रुचि है, तो जन सेवा करता हुआ आ रहा हूँ। तो राजनीति और जनसेवा एक ही चीज है क्या? दोनों के जुड़ा हुआ पहलू एक दूसरे से। पर राजनीति में राजनीति कई बार ज्यादा हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनीति के अंदर हम अगर जनसेवा की भावना से देखेंगे तो वो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। यही एक हमारे गांधी जी का भी यही एक स्वप्न था, उन्होंने कहा था कि अंतिम व्यक्ति की सेवा करो। तो आपने जब लोगों से आप बातचीत करते हैं, आपको लगता है कि उनकी समस्याएं पहले से कुछ कम हुई हैं? लगातार हमारे जो संपर्क में आते हैं, हम देखते हैं उनकी समस्याएं। मैं जयपुर मेयर की बात नहीं कर रहा, मैं तो पिछली बात कर रहा हूं आपसे, कि लोग मेयर से जब भी मिलते हैं मैं उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करता हूं। हमारे जैसे लोग जो संपर्क में आते हैं उनकी बड़ी समस्याएं नहीं है, छोटी छोटी समस्याएं, मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है, नाम शामिल कराना वोटर लिस्ट में, इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं से बहुत सारे लोग ग्रसित रहते हैं। इन समस्याओं को निदान करने पर उनको एहसास होता है कि हमारा बहुत बड़ा काम हुआ। क्या आपने जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ऐसी कोई व्यवस्था बनाई है कि जनता को जब इस प्रकार के पत्र चाहिए तो उनको तुरंत मिल जाए? इसके लिए मैं, हमारा जो मुख्य उद्देश्य, हमारी सरकार का जो उद्देश्य है और हमारे गहलोत साहब का, कि पारदर्शिता के साथ हम काम करें। जी हाँ जी हाँ। जवाबदेही सरकार हमारी होनी चाहिए। तो मेरे नगर निगम से संबंधित जैसे छोटे छोटे काम हैं, मेरिट सर्टिफिकेट है, वर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, आपको मकान का पट्टा लेना है, कोई टैक्स जमा कराना है, कोई निगम से लाइसेंस लेना है, इस तरह की कोई व्यवस्थाएं वहाँ उपलब्ध नहीं है हमारी हेल्पलाइन पर, ताकि लोग आए और वो स्मूथली उस काम को करा के ले। अभी नहीं है ऐसा? अभी नहीं है। उसके लिए मैं कुछ बुकलेट्स तैयार करा रहा हूँ, उसका विमोचन जल्द ही अति शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा कराऊंगा, ताकि जनता आए और जिस व्यक्ति जिससे संबंधित सब्जेक्ट है वो बुकलेट ले और उसको भर के फिलअप कराए, उसको बार 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 इधर निगम के चक्कर नहीं ले। जैसे मान लो आपको पट्टा लेना है, तो पट्टे में पट्टे कई तरह के होते हैं, स्टेट ग्रांट का है, कच्ची बस्ती का है, सोसाइटी की स्कीम का है, या हमारे नगर निगम की स्कीम का, गवर्नमेंट स्कीम का है, इनके लिए सबके लिए प्रोसीजर्स अलग अलग हैं। तो उस चीज़ से जो व्यक्ति आता है वो अनभिज्ञ होता है और बड़ी तकलीफ होती है कि वो बार बार किसी को पूछता रहे, सब लोग बताते नहीं है, उसको घुमाते हैं, कभी एफिडेविट बता देते हैं, कभी उसको वो जो देना है बंधक पत्र वो बता देते हैं, पूरी प्रक्रिया नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से बार 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 नगर। ऐसा क्यों करते हैं ये? अब ये तकलीफ क्यों देते हैं? जवाबदेही सरकार, जवाब के उनके जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो फंक्शंस है, उनके प्रति वो लापरवाह है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास में आता है, आप मानते हैं कि लापरवाह है? बिल्कुल। आपने इस लापरवाही को कम करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ? मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम मिला है मेरे को, मैं 22 जनवरी को मेयर बना हूँ, 26 नवंबर तक मेरा कार्यकाल है, बीच में कुछ आचार संहिता आ गई है, बरसात का सीजन आ रहा है, बहुत सारे मेरे मन में नगर निगम में संशोधन करने की इच्छा है। आपने कभी देखा कि जैसे नक्शे पास होने के लिए प्रार्थना पत्र आते हैं? बिल्कुल। बहुत देरी होती है? बहुत देरी हो रही है, बहुत। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरे पास लोग अभी, मैं महापौर आपके द्वार मैंने कार्यक्रम प्रारंभ किया, 8 जोनों में मैं गया, वहाँ जनता मेरे से मिली, कई लोगों की जो मन की वेदना सुनी मैंने, पीड़ा सुनी, कोई 30 साल से पट्टे के लिए परेशान है, कोई 15 साल से है, कोई 4 साल से है,
इन सब चीजों को मैंने देखा है और माननीय मैं सरकार को भी मैं पत्र लिखा हूं। आपने देखा कि कितने बहुत ही प्रार्थना पत्र हैं, कितने केसेस पड़े हुए हैं पेंडिंग, कब से पड़े हुए हैं? ये कुछ अभी मैंने मीटिंग ली थी, एक हमारे एक अलग जोन है आयोजना प्लानिंग, उसमें हमारे निगम मुख्यालय पर 700 प्रार्थना पत्र लंबित है और जोनों की अगर हम गणना करें तो कोई 10 सबसे पुराना कितने साल का हो गया? मेरे को एक व्यक्ति मिला वो 32 साल से चक्कर खा रहा है। आपने कुछ किया उसके लिए? मैंने उसकी रिपोर्ट मांगी है, मैंने 7 दिन में उनको कहा था जिस जोन में मैं गया हूँ कि इसका मुझे बना के दिए। ऐसा केस हुआ है जिसमें कितने पुराने केस को आपने स्वयं अपने हस्तक्षेप से उसको निपटाया हो? नहीं, उसमें क्या है सब कि कुछ प्रक्रिया ऐसी है कि पहले एक एम्पावर कमेटी का गठन होना चाहिए था, वो एम्पावर कमेटियाँ अब जरूरत नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में आ जानी चाहिए वो फाइल, बाकी एम्पावर कमेटी के लेके बैठे रहते हैं कर्मचारी अधिकारी। हमने कहा कि आप उसको हमारे यहाँ भेज दीजिए। कई टेक्निकल प्रॉब्लम भी ऐसी होती है कि जैसे लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड है, सीवाईसी की लैंड है, निगम की है कि नहीं है, कई फॉरेस्ट की लैंड है, कई बहुत सारी समस्याओं की वजह से भी काम लंबित हो रहा है। इन सबको हम लगातार उसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनसे कहा कि आप ब्रीफ बना के मुझे दीजिए कि ये क्यों पेंडिंग है। वो मेरे पास कल परसों मेरे को रिव्यू करना है, मेरे पास प्रत्येक जोन से जो जो प्रत्येक प्रार्थना पत्र मेरे पास आए थे उनकी सबकी रिपोर्ट्स आएंगी, फिर मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। वैसे मैंने मौखिक रूप से सभी डीसीज को निर्देशित कर दिया है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी हमारी होती है जिसमें निर्णय लेने की कैपेसिटी होती है प्रशासनिक और ये बहुत सारे पट्टों की, तो मैंने कह दिया उसमें भिजवा दीजिए, 23 तारीख को मेरी मीटिंग है, देखते हैं उसमें कितने पट्टे की प्रारंभ। सख्त कदम उठा सकते हैं? सख्त कदम भी उठाते हैं, लगातार वार्निंग देते हैं लोगों को, कईयों को एक दो चार को सस्पेंड भी हमने कराया है, ऐसा कुछ नहीं है। सस्पेंशन में पता क्या फायदा होता है, बिना काम के तनख्वाह? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, उनको पता सर्विस ब्रेक होती है, प्रमोशन रुकता है, बहुत कुछ लोग कहते हैं, बाकी उनके मन में जो लोगों की नजरों में एक वो डिफेक्टिव पर्सन भी नजर आता है कि इसको सस्पेंड कर दिया गया था। अच्छा एक बात सुनिए, पिछली बार तो आपको इनाम मिला था स्वच्छता अभियान में बिल्कुल और सर्वेक्षण में, इस बार तो कहीं पर जयपुर है ही नहीं, ऐसा क्या हुआ वैसे? नहीं ऐसा नहीं है, होप की बार भी हम पहले 42 पे था रैंकिंग, हमारी सबसे प्रगतिशील जो राजधानियां हैं बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी हम उससे पहले रैंकिंग में ऊपर ही आएंगे। आप जब निर्णय अभी जो आया दूसरी बार उसमें तो रैंकिंग ठीक नहीं आई ना आपकी पिछले साल की तुलना में? नहीं, पिछली 39 थी, अब की बार 42 हुआ है, पर उसमें सिटीज का जो कंपटीशन जो हुआ वो सिटी बढ़ गई है, पहले कम थी, अब 5000 से ऊपर में आया रैंकिंग जो आई है, 5000 सिटी में आया है, पहले थी 5000, पहले 2500 के आसपास थी, तो मतलब एग्जैक्ट या 4000 समथिंग थी उसके आसपास में, तो सिटी से बढ़कर। एक आप उन दिनों में जब सर्वेक्षण होने लगता है एक ऐप चलाते हैं आप, है ना? अभी भी है वो। अच्छा आप देखिएगा कि जो अच्छे नगर हैं जैसे इंदौर है, भोपाल है, दिल्ली है, वहाँ पर ये सारा साल चलते हैं, आप तो कुछ काल के लिए चलाते हैं, आप इसको नियमित क्यों नहीं कर सकते? नहीं नियमित ही है ये, नहीं अभी तो नहीं है, नहीं चालू आप करके देख। अच्छा चालू है, नहीं फिर क्या होगा कि सर्वेक्षण काल में कुछ महीनों के लिए? नहीं इसमें क्या है कि अलग अलग समय में अलग अलग रैंकिंग के मार्क्स मिलते हैं, जैसे आपने ये ऐप की बात करी, अब ऐप के लिए जैसे एक तो स्टार्ट किया हो उसके नंबर से कि आपने स्टार्ट किया कि नहीं किया, डोर टू डोर आपने स्टार्ट किया कि नहीं किया, अब जब सेकंड वाला जब चांस आता है तो उसमें आपका काम देखा जाता है कि इस पर कितना काम हुआ, प्रचार प्रसार में आपने क्या किया, इन सब की नंबरिंग हो गई, फिर उसके मेरिट में होता है, स्कोरिंग मिलती है। आप इंदौर पधारे हैं? मैं इंदौर गया नहीं हूँ साहब, भोपाल भोपाल गया हूँ। अच्छा ये सबसे साफ नगर 3 साल से लगातार अभी हमारी मेयर काउंसलिंग थी आगरा में, वहाँ के मेयर साहिबा भी मुझे मिली हैं, हमने बात भी उनसे करी है, अब मैं अगर थोड़ा सा चांस मिला तो हम जयपुर को भी आपको एक बार नंबर एक पर ला के आपको दिखाएंगे। कम अच्छा अभी तो आपके पास समय कम है, देखते हैं दोबारा समय मिलेगा तो देखेंगे, जयपुर एक नंबर पे आएगा सुनिश्चित तौर से। जयपुर में बहुत अच्छी सफाई है, ऐसा नहीं है, दिल्ली से तो अपने जयपुर से ज़्यादा अच्छा है, मैं फिर कह रहा हूँ, वो जब भारत की राजधानी है या राजस्थान की राजधानी, पर दोनों का कंपेरिजन करें तो जयपुर में ज़्यादा आपको सफाई नजर। अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे तो कैसे विकास होगा? नहीं संतुष्ट से नहीं होता सर, ये तो लगातार एक लगन और प्रेम वो है कि मन में लगन होनी चाहिए कि मेरा जयपुर शहर क्लीन ग्रीन और स्मार्ट रहे, उसके लिए आपको कुछ न कुछ प्रयास करते रहने चाहिए। क्योंकि नागरिकों के लिए क्या संदेश है आप हमें? हाँ। नागरिकों संदेश दीजिए। मैं जयपुर के निवासियों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई इस बात की देना चाहता हूँ कि जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में,
ये सब जयपुर नागर जयपुर के निवासियों को बधाई जाती है। दूसरी हमारी जन्माष्टमी आ रही है। हमारी हिंदू संस्कृति में कोई हर एक महीने में 20 दिन में 25 दिन में कोई त्यौहार आता रहता है, उस पर आप निर्धारित स्थान पर ही कुछ न कुछ अपना जो कचरा है वो वहीं डालें और उस कचरे को इधर उधर नहीं डालें, जिसकी वजह से हमारा जयपुर शहर गंदा नहीं हो। जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट है अभी वो बीबीजी कंपनी नियमित रूप से कार्य नहीं कर पा रहा। बीबीजी कंपनी के साथ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2017 में टू डोर संग्रहण वाला। अब उसके पास कुछ संसाधन की कमी है, हमने उसको नोटिस दे दिया है कि भाई या तो आप अपने संसाधनों को बढ़ा लीजिए, या फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन फेज में हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या एक फेज आप छोड़ दीजिए। अगर संसाधन नहीं है, जयपुर को किसी भी सूरत में गंदा नहीं होने देंगे, इस बात के लिए हम कृतसंकल्पित हैं। नहीं, परंतु आप क्या आजकल जो ढील हो रही है आप उससे भीग गए हैं? नहीं, अभी तो थोड़ी बरसात की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। कंटिन्यूटी में बरसात हो रही है ना, इस वजह से संसाधन जो हमारे हैं कचरे में भी पानी भर जाता है, उसको उठाने में भी दिक्कत आती है। और लगातार सड़कें जो बनाने का है सड़क का 15 जून से 15 सितम्बर तक ये सरकार की तरफ से प्रतिबंध रहता है। अच्छा, नई सड़कें अभी कई पाइपलाइन लगी हैं बिसलपुर वाली और वहाँ पर सारी सड़कें टूटी। अब ये जैसी बरसात खत्म होगी तत्काल प्रभाव से उनकी रिपेयरिंग का काम होना है, नई सड़कें बननी हैं, ये सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको एक बात और बता दूंगा, पहले बार इतिहास में इतने शॉर्ट टाइम में हमने 300 करोड़ रुपये के वर्क ऑर्डर जारी कराए। वेरी गुड आज तक के इतिहास में इतने शॉर्ट पीरियड में कभी नहीं हुए, ताकि जयपुर शहर में जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिले, हमारे जो निवासी हैं उनको निजात मिले। इसमें अब तक जितने भी हमारे गंदे नाले थे, लोग कहते हैं नेगेटिविटी भी खूब बहुत सारे लोग बताते होंगे आपको, मैं इस बात से सहमत हूँ मैं भी, कि हमारे 800 समथिंग नाले थे जिनमें से हमने 15 मार्च तक नालों की सफाई कराई, फिर दोबारा सेकेंड फेज में 15 मई तक कराई हमने। कुछ बड़े नाले आज भी ऐसे हैं 10-12 जयपुर शहर के जो 25 साल में कभी साफ ही नहीं हुए, उनके लिए भी हमने योजना बना दी है, उनको भी हम साफ करने की पूरी योजना के साथ उनका टेंडर हो गया है। कुछ नागतलाई की इनकी तो हमने सफाई भी कराई है। 25 साल से सफाई नहीं हुई नालों की, इसके लिए कौन दोषी है? नहीं, इसके लिए जो स्पष्ट बोलिए, नहीं जो इसके मुखिया हैं उनको देखना चाहिए था, जो तत्कालीन महापौर है उनको भी देखना चाहिए था, और जो अधिकारी लालविता शाही उनको तो उनका तो हमेशा कंटिन्यूटी में बना रहता है, उनको भी सब कर्मचारी और अधिकारी दोनों हैं, और हम जनप्रतिनिधि भी इस बात के दोषी हैं कि हमारे जयपुर शहर में इतने बड़े नाले शहर की सिटी के बीच में से निकल रहे हैं और इतने गंदी हालत में हैं कि आप उनके पास खड़े नहीं रह सकते हो, बड़े एक सोचने का विषय है। अच्छा, अभी आपको इस बात की मुबारक तो हम देंगे कि आपने हेरिटेज सिटी जो है यूनेस्को से वर्ल्ड सिटी बनी, ये वही सिटी है जिसको कि राजा जय सिंह ने बनाया, उसका वही रूप स्वरूप है। बिल्कुल, गलियां छोटी हैं, गलियों के बीच में छोटी गंदी गलियां भी हैं, हवेलियां हैं, मकान हैं पुराने, जर्जर भी हो गए कानून के अंतर्गत, उनको आपने कहीं को तोड़वाया भी, ठीक भी किया, सब कुछ किया, परंतु आप मानते हैं कि आपके पास साधन हैं कि इस हेरिटेज सिटी को आप मेंटेन कर सकेंगे? नहीं, संसाधन सरकार के पास पूरे हैं। और आपको एक बात और बता दूँ, जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में जो शामिल हुआ ना हमारा जयपुर शहर, उसमें सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे UDH मंत्री महोदय धारीवाल साहब हैं, उनके द्वारा जो कड़े निर्णय। प्रपोजल तो पहले ही चला गया। नहीं, ऐसा नहीं, गलत है ये सब। 2015 में वहाँ से रिफ्यूजल कर दिया गया था। अच्छा, रिफ्यूज कर दिया गया था क्योंकि उसके कारण से कि जो हमारी योजना इन्होंने बनाई एनक्रोचमेंट के लिए बनाई, पसाड़ योजना, एक सिमरेटी में नाम लिखने की योजना बनाई, नॉन कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया, ब्राउन डे खाली करने का जो निर्णय लिया, हो गए करीब हो गए। बिल्कुल करीब आप जाके देखिए 80-85% बिल्कुल खाली मिलते हैं आपको। कभी कोई रख लेता है उसका हम सामान हटा देते हैं, नोटिस दिलवा देते हैं। अभी बीच में स्ट्राइक भी हुई थी, आपने देखा भी होगा अखबारों के माध्यम से, पर मंत्री जी ने कहा भी ब्राउन डे तो खाली करने ही पड़ेंगे आपको। एक बात है, आपने नोट किया होगा कि सड़कें इतनी बड़ी जितनी भी हो जाएं, पार्किंग की जगह नहीं है, दोनों तरफ कारें खड़ी रहती हैं, जौहरी बाजार तक में चलना मुश्किल हो जाता है, इसके लिए ऐसी स्थिति आती है कई बार तो कि रेंगना पड़ता है गाड़ियों को। जयपुर में जो है रामगंज बाजार में चलिए, त्रिपोलिया में चलिए, किशनपुर बाजार में चलिए, इंदिरा मार्केट में चलिए, संजय बाजार में चलिए, बाबू बाजार में चलिए, जगह ही नहीं है। आप ये देखिए कि
सो 27 के में जयपुर बसा था। नहीं, ये तो बाद के बाजार बने, नहीं नहीं सात के बने हुए बाबू बाजार, बाद में जोरी बाजार हुआ, हाँ। चौड़ा रास्ता हुआ, किशन पोल हुआ, त्रिपोली, उसी समय के बाजार हैं, बाद के नहीं है। हाँ, ये तो सही है। उसी दृष्टि को रखते हुए विद्याधर जी ने जो नक्शा बनाया, आप एक कल्पना कीजिए कि 1727 में जो सोच, और आज भी आराम से स्मूथली, इतनी जाम नहीं लगता। और जैसे बॉम्बे में आप जाओ, आप लोगों ने की है, बॉम्बे में आप जाओ, दिल्ली में आप जाओ, उनसे तो अभी जयपुर में कम जाम लगता है। परिवहन के लिए, परिवहन के लिए हमारी सरकार ने एक मेट्रो का, तो एक मेट्रो, मेट्रो उसमें इतने कम लोग, पता है आप कितने लोग रोज बैठते हैं अभी उसका एक रूट, 20,000 लोग रोज बैठते नहीं, वो अभी उसको एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है 1.5 किलोमीटर का और रूट, नहीं वो नहीं, सब नई घोषणा और करी उन्होंने की है सीतापुरा से लेके अंबावाड़ी तक, हाँ, उसमें 20 किलोमीटर का जो, तो उसका कारण कि जब लंबा लोग इधर से आएंगे चाकस वाले सारे, देखिए ये जो आप बता रहे हैं ये वॉल सिटी के बाहर है, कौन सा ये जो नया एरिया आप बता नहीं, रहे नहीं, इसी बीच में से गुजरेगी क्या, सीतापुरा से कहाँ था, सीतापुरा से अंबावाड़ी, अच्छा अंबावाड़ी, तो एक कनेक्टिविटी हो जाएगी ना वॉल सिटी के साथ में, तो जब तक कनेक्टिविटी चारों तरफ से नई साधन जुड़ेंगे, जब तक इसमें लोग बैठे उपयोग कम करेंगे लोग। अच्छा, आपने बच्चों के लिए क्या किया अब तक, बच्चों के लिए कोई प्लेग्राउंड बनाए हो, पार्क बनाए हो, आप देखिएगा एक नेहरू बाल उद्यान है बस, ये जेडी के पास है, हमारा नहीं, ये जेडी के पास है, परंतु जेडी और आप में अच्छा तारतम्य रहता है, नहीं वो दोनों का फंक्शंस अलग हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं, तो जैसे सेंटर पार्क है, नेहरू बाल उद्यान है, ये उनके पास, आपके पार्क तो बहुत चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, नहीं हमारे पार्क कॉलोनियों में हैं, और आपको जानकर खुशी होगी कि वो अच्छे हैं, नहीं हमारे पार्कों में कुछ हमने बहुत अच्छा किया है, अभी 20 साल भी हमने, अभी आपने जिमनेजियम बना दिए हैं, जिमें भी लगाई है, वॉक वे भी हमने बनाए हैं, बाउंड्री वॉल भी हमने बनाई है, और जो सबसे बड़ी हमारे पास लगातार कंप्लेंट आ रही थी कि साहब पार्कों में अंधेरा रहता है जिसके कारण अप्रिय घटनाएं घटित होती है, तो हमने बहुत सारे पार्कों में मैक्सिमम लाइटिंग का काम भी कराया है, रात को भी होती है लाइटिंग, रात को ही रहती है वो, एक एक पोल पे 4 लाइट लगा दी हमने, जिसकी वजह से आदमी हो चाहे महिला हो वो आराम से उसमें वॉक कर ले लेट आवर्स तक। अच्छा, सीवरेज की बात बताइएगा, सीवरेज में अभी भी देखिए बेचारे लोग जो हैं, अपने मानवीय दृष्टि से अच्छा नहीं लगता कि मजदूर जो हैं कचरा उठाते हैं, अभी ऐसी मशीनें आपके पास नहीं है, यंत्रीकरण वो तो आपके अंडर में ही है ना, मैं आपको इसमें स्पष्ट कर दूं कि अभी हमारे पास में सेक्शन मशीन 3 थी कुल, हाँ, इतने बड़े शहर के लिए, अभी मैं हमने खराब नहीं, हम उसमें आने के बाद मैंने अभी 5 मशीन और परचेज करके दी, आ गई क्या, दे दी, काम करने लग गए, बिल्कुल दे, ऑर्डर दिया है, नहीं दे दिए सर, अच्छा, रूट अच्छा, पे आ गए भी, 10 दिन पहले हमने झंडी दिखा के और प्रताप सिंह जी के साथ हमने उसको जयपुर शहर को सप्रेम उपलब्ध करा दिया उसको, आप देखिए काम कर रही है वो जोनों में चल जाएंगे, जोन हमारे 8 जोन है, तो एक 5 तो वो, 3 वो, तो कम से कम पहले 3 मशीनें 8 जोन को कवर कर रही थी, अब एक मशीन 1 जोन को कवर कर रही है। आप नहीं मानते कि इतना बड़ा जयपुर शहर है उसमें अब तो कई वार्ड बढ़ गए, अब तो वही आपको, पहले तो 91 थे, अब करीब 150 हो गए, हाँ। अब मैं लगातार क्या मानते हैं कि 2 मेयर होंगे या 2 कॉरपोरेशन होंगे, क्या होगा, ये सरकार के स्तर पर निर्णय होना है, आपको राय दी जाए, आपको क्या राय देंगे सरकार की, हमारी में तो 3 कॉरपोरेशन ज्यादा ही हैं, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, सब जगह बेंगलोर में है, बड़े जैसे जैसे सिटी बढ़ती है वैसे वैसे एरिया बढ़ जाता है। प्रशासन का विद्यार्थी हूं, मानता हूं कि मेयर के पास काम बहुत ज्यादा है, संभाल नहीं पाएगा, कोई भी नहीं संभाल पाएगा, ऐसा तो आपका नाम विष्णु है, तो विष्णु का नाम ही संभालना है, काम करना संभालना है, नहीं ऐसा नहीं है, तो कठिन कठिन तो जब कठिन तो जब होता है जब मन में भावना नहीं हो जनसेवा, काम का देखिए काम भावना तो है, देखिए सबसे बड़ी चीज है साधना और साधन, अब आप देखिए साहब, आप देखिए कि जो राजस्थान सरकार में मंत्री होते हैं उनके पास में तो पूरी 200 विधानसभा है, पूरा राजस्थान है, वो भी तो उस काम को देखते हैं, कितना बड़ा एजुकेशन है, कितने 7 लाख कर्मचारी 5 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितनी स्कूल हैं, पर लगातार कंटिन्यूटी में आप काम करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई काम नहीं हो सके, इम्पॉसिबल हो कोई काम। जयपुर एक बात बताऊं विष्णु जी, कि सबसे मुश्किल काम है नगरों का विकास, नगरों का विकास की क्या है कि अपने यहाँ जो प्लान बनता ना साहब वो एक योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो पा रहा है, अलग अलग जयपुर शहर में एजेंसियां या कोई भी सिटी में हम जाएं सब एजेंसियां अलग अलग हैं, पता है कितनी है जयपुर के विकास के लिए कितनी एजेंसीज हैं बताऊं, 32, हाँ मैं कह रहा हूँ सब एजेंसियां अलग अलग हैं, तो कभी कौन सी क्या योजना लेके आती है कौन सी क्या, बल्कि इनके सबका बैठ के एक कोऑर्डिनेशन के साथ में जयपुर में किस तरह से सीवरेज होनी है, किस तरह से अंडरग्राउंड केबल होनी है, किस तरह से पाइपलाइन डलनी है, किस तरह से
होना सारा एक पूर्ण रूप से सुनियोजित तरीके से काम विकास हो, तो मैं कहता हूँ बार बार ये जो सड़कों का टूटना, लाइटों का खराब होना, जन सीवरेज का ओवरफ्लो होना, ये सब बंद हो सकता है। स्मार्ट सिटी के बनाने के बारे में क्या प्रगति है अभी तक? स्मार्ट सिटी का मैं वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन हूँ, चेयरमैन हमारे एलएजी सेक्रेटरी साहब हैं। मेरे मेयर बनने के बाद एक बार मैंने मीटिंग ज्वाइन की है। ये अच्छी बात है क्या? नहीं, मीटिंग ही एक बार हुई है मेरे बनने के बाद। पर आप तो कह सकते थे कि होनी चाहिए, ये इसका अधिकार उनको एलएजी सेक्रेटरी को है, आचार संहिता लग गई। जो हमने इसमें देखा स्मार्ट सिटी का काम, जो जिस हिसाब से जयपुर शहर को सौगात मिलनी चाहिए थी ना, उस तरह से सौगात नहीं मिल पाई। साधन कम है? साधन तो है, इनकी जो डीपीआरस हैं वो कोई पाइपलाइन में है, कोई फेल हो गई है, कोई क्या हो गई है, सुनिश्चित वही सुनियोजित तरीके से इसको कर नहीं रहे हम काम को। जबकि बहुत अच्छा प्रपोजल्स आया था जयपुर को स्मार्ट। अब आप देखिए चौड़े रास्ते में, किशनपोल में, अब चांदपोल में सड़क का काम चल रहा है, उससे बहुत व्यापारी वर्ग भी बहुत तकलीफ में, टाइम पे नहीं पूरा हो पा रहा है, तकलीफ है इस बात की। तो हमने भी मंत्री महोदय ने कमेटियां की, 23 कमेटियां हैं, कितनी हैं? हाँ 23 कमेटी। उनमें आपस में काफी विग्रह रहता है? नहीं आपस में नहीं, सबका काम अलग अलग है। नहीं, कमेटियों के अंदर मेंबर्स जो हैं आपस में आपस नहीं रख पाते। इसमें साहब मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इसमें सभी जितने भी हमारे पार्षद हैं वो कमेटी के मेंबर होते हैं, तो जो हमारे अभी कुछ मेंबर्स हैं वो कमेटी की बैठक में आ ही नहीं रहे। जयपुर शहर की जहाँ विकास की बात होती है वो लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं। चलिए बाकी बचे हुए समय में, नवंबर तक आप हैं, 26 नवंबर तक, क्या 3 प्राथमिकताएं होंगी आपकी? नहीं, सबसे पहले तो प्राथमिकता ये कि जयपुर स्वच्छ रहना चाहिए। दूसरी जो हमारे सड़कों के जो वर्क ऑर्डर हो गए वो सड़कें बननी चाहिए। तीसरी हमारा जो ये ड्रेनेज सिस्टम है ये ठीक होना चाहिए। अच्छा, और ये तो हो गई स्वच्छता की बात जी, है ना, सौंदर्य की बात बताइए। सौंदर्यकरण में हम गार्डन्स के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं ताकि हमारे जयपुर ग्रीन हो, क्लीन एंड ग्रीन, ग्रीन हो, क्लीन हो। वो उसमें क्या है कि चारों तरफ से पेड़, अभी हमने 50,000 बड़े पेड़ खरीदे हैं 8 से 10 फीट की हाइट के, पहली बार, जबकि पहले 2-2 2.5 फीट के पेड़ खरीदे जाते थे। ताकि आपके कितने लगवाए आपने पेड़? 50,000 खरीद चुके हम। कम है? नहीं सर, वो तो कम, हम तो लगातार वितरण कर रहे हैं। ये काफी देता है, प्लांट्स देता है वो सर, वो 1 फुट के 1.5 फुट के ही देता है। अच्छा, तो वो एक भी नहीं लग पाता। अच्छा, आप 5 लाख दे दो, मुझसे कोई यूज नहीं होता। मैं देख रहा हूँ आप मत लगाइए 50,000, 10,000 लगाइए, पर वो जीवित रहे, उनकी देख रेख समय पे और वो ग्रोथ करके जाए। लगातार उसी फैसा हम पानी पिलाने की व्यवस्था करते हैं, हम उनको ठेकेदार को टेंडर देते हैं, उसके बावजूद भी नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं जब पार्षद बना था 2014 में, के बाद मैंने 2015 जून जुलाई में मैंने वृक्ष लगाए थे, और वो लगाए मैंने 2.25 किलोमीटर लंबे, 400 करीब पेड़ हैं। उनको जीवित रखने के लिए मैं पूरे 4 साल तक मेहनत करी है मैंने, जब जाके वो जीवित रहे हैं। आप रोज जाते हैं घूमते हैं जयपुर? मैं पूरे जयपुर शहर में घूमता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। रामगंज में भी जाता हूँ, सुभाष चौक जाता हूँ, छोटी चौपड़ जाता हूँ, ब्रह्मपुरी जाता हूँ, विद्याधर नगर जाता हूँ। कुछ न कुछ कार्यक्रम के माध्यम से सारा आपने देखा। करीब करीब दिन में 2-3 बार जयपुर शहर का राउंड होता है, चाहे सांगानेर हो, चाहे विद्याधर नगर हो, चाहे जोटवाड़ा हो, चाहे हमारे ये सिविल लाइन और ये आदर्श नगर, ये तो पास में। ये जानवर जो सड़कों पर आवारा पशु बहुत हैं सर, इतने एक्सीडेंट होते हैं आवारा पशुओं को, उसके लिए हमारे हिंगोनिया गौशाला में हमने पुनर्वास रखा है, हम उनको रोज पकड़ाते हैं। मानिए कहाँ, मतलब मैं तो आपको ऐसी गाय बता दूं जब 30 दिन से मैं रोज देख रहा हूँ। नहीं, उसमें लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, हाईकोर्ट के निर्देश पे भी हो रही है। हमारे पास में अभी 16,500 पशु हैं, गाय हैं, कुछ नंदी हैं, और हिंगोनिया गौशाला में, और पर मंथ इनको हम करीब ही अक्षय पात्र वालों को हमने उसका कांटेक्ट दे रखा है। मैं समझता हूँ, देखिए मैंने जो कुछ हम समझते हैं नागरिक के रूप में, आपके पास साधना है, आप सिंसियर लगते हैं, आप काम कर रहे हैं अच्छा, और समय की एक कमी हो जाती है बहुत जल्दी ना, सारे काम हो नहीं पाते, साधनों की कमी नहीं है? साधनों की तो कमी नहीं, कमी आप क्या अपेक्षा करते हैं एक नागरिक से? हम नागरिक से ये उनसे आग्रह ये करना चाहते हैं कि वो हमारा सहयोग करें, जो हम कोई योजना लेके आए उसे क्रियान्विति में हमारा सपोर्ट करें। जिस प्रकार से हम अभी बात कर रहे हैं स्वच्छता की, तो स्वच्छता में वो निर्धारित समय पर निर्धारित स्थान पर गंदा नहीं करें।
सो प्रिय नागरिकों, आपने देखा कि विष्णु लाटा साहब कितनी मेहनत से कार्य कर रहे हैं जयपुर के विकास के लिए, किंतु आवश्यकता इस बात की है कि हम ये समझें कि ये सारा काम सरकार नहीं कर सकती, JDA नहीं कर सकता, JMC नहीं कर सकती, हाउसिंग बोर्ड नहीं कर सकता, PWD और PHED भी नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। दुनिया भर के सभी नगरों में आप जाइए, किस प्रकार से नागरिक अपने तन मन धन से उस नगर को बचाने के लिए, उसकी अस्मिता को बचाने के लिए, शान को बचाने के लिए लगे रहते हैं, नगर के साथ प्यार करते हैं। एक शब्द है जयपुरोफाइल, अर्थात जो जयपुर से प्यार करता है। बहुत लोग थे ऐसे, अब सिर्फ जयपुर में आकर के रोजगार करना और फिर इसको एक साधन मान लेना अपने विकास का, वो नहीं होना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने कर्तव्यों को करें। हम दूसरों पर तो उंगली हर समय उठाते हैं, ये कमी रह गई, ये देरी हो गई, पर आप देखिए, एक बात बताऊं आपको, जब भी कोई शिकायत आपको करनी हो, आप सीधे विष्णु लाटा जी को इन्फॉर्म करिए, और ये फ़ोन उठवाते हैं इनके पीए, आप शिकायत करेंगे तो निश्चित रूप से शिकायत का समाधान भी होगा। और इनके जो हैं, बेसिकली वेबसाइट्स तक जाइए, इनके जो टेलीफोन के जो कॉन्टैक्ट्स हैं इन पर करिए, खुद पहुँचिए, मेयर साहब को कहिए, चिट्ठी लिखिए। चुपचाप सहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब काम करने के लिए लोग तैयार हैं तो आप भी उसके पार्टनर बन जाइए, साथी बन जाइए। आपने कार्यक्रम देखा, आपको धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर।